हेलो दोस्तों, आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम इलेवन टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली बल्लेबाजी.com से रिलेटेड। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने जो आपको बता रखा है कैसे मैं तकरीबन 64 से 65 हज़ार रुपये पर मंथ यहाँ से विनिंग कर रहा हूँ बल्लेबाजी से, क्या मेरे विनिंग सीक्रेट्स है और क्या चीज़ें मैं अपनाता हूँ जिससे मैं मैक्सिमम लीग्स यहाँ पर विन करता हूँ। तो सारी चीज़ें आज मैं शेयर करने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को देख लेना और पसंद आए वीडियो तो लाइक भी कर देना। देखिए, मैं काफ़ी दिन से आपको बल्लेबाजी के बारे में बता रहा हूँ और काफ़ी विनिंग यहाँ पर आपकी भी हो रही होगी, लेकिन आज मैं अपने सीक्रेट्स इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज करनी है, अगर आप यहां पे नहीं खेल रहे हैं तो तुरंत यहां पे स्टार्ट कर दीजिए खेलना, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहां पे वो मिलती हैं जो आपको और किसी वेबसाइट में नहीं मिलती हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप जाके जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड किस तरह से करना है वो आपको पहले मैं बता देता हूँ, फिर आगे सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। और बाद में हम देखिए 9,999 रुपये का विड्रॉ एक दिन में कर सकते हैं, तो एक मैं यहाँ पे आज विड्रॉ भी करने वाला हूँ, क्योंकि पूरे मंथ की जो मेरी विनिंग है उसको आज मैं विड्रॉ करूँगा रोज़ 10,000 रुपये। तो इस तरह से हम विड्रॉ भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाउनलोड किस तरह से करना है बल्लेबाजी का ऐप। देखिए, आप जैसे कोई भी वीडियो मेरी देखते हैं उसका डिस्क्रिप्शन ऐसे खोलेंगे, जो नाम होता है वीडियो का उस पर जैसे आप टैप करते हैं तो ऐसे डिस्क्रिप्शन खुल जाता है। देखिए, जैसे ये बंद हो गया, यहाँ से डिस्क्रिप्शन खुल गया, तो इसमें सबसे ऊपर आपको एक लिंक मिलता है जिस पर लिखा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड बल्लेबाजी ऐप। ये जो लिंक है आपने सिर्फ इस पर क्लिक करके जो है ऐप को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना। ये एंड्रॉयड ऐप है, अभी एप्पल के लिए शायद नहीं है आईफोन के लिए, तो एंड्रॉयड ऐप आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए सिर्फ इस लिंक पे क्लिक करके। जब आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद इसीलिए आपको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको ऐप का इंटरफेस दिखेगा। यूज़र नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लीजिएगा जिनको पहले से अकाउंट बना रखा है। अगर आप न्यू यूज़र है तो आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है आर यू न्यू हेयर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आपका ईमेल आईडी चाहता है, तो ईमेल आईडी वो डालिए जो इस पर आप मतलब कि सही ईमेल आईडी हो। गलत ईमेल आईडी डालेंगे तो उस पर आपको ओटीपी नहीं आएगा और आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। उसके बाद क्रिएट पासवर्ड और थर्ड चीज़ है यहाँ पे एंटर प्रोमो कोड, तो ये चीज़ आपको जरूर डालनी है क्योंकि इस प्रोमो कोड में आपको जो भी आप डालेंगे उससे 50 रुपीज़ का कैश बोनस मिलता है। अब बात करते हैं एंटर प्रोमो कोड में आपने क्या लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे कैपिटल लेटर में आपने प्रिंस लिख देना है, PRINCE। इसका आप यूज़ करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ का कैश बोनस मिल जाएगा जैसे ही आप आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई कराएंगे। उसके बाद यहाँ से रजिस्टर कर लेना है। तीन चीज़ डालनी है, फिर से बता रहा हूँ, ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड और यहाँ पे प्रोमो कोड में आपने प्रिंस लिख देना है। सिर्फ ये काम करके रजिस्टर कर लेना है। अब मैं बात करता हूँ, मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आपको विनिंग प्रूफ समझाता हूँ, मतलब कि किस तरह से आप भी विनिंग कर सकते हैं और कितनी मेरी विनिंग हो जाती है पर मंथ, और उसको विड्रॉ भी करूँगा मैं तकरीबन 24 घंटे के अंदर जो आपका विड्रॉ मिल जाता है आपके बैंक अकाउंट में, तो ये भी काफ़ी फास्ट है। चलिए मैं विड्रॉ करता हूँ अभी। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट में। आप अकाउंट बैलेंस देखें, तकरीबन 1,16,000 रुपये मेरे पास बैलेंस है, जिसमें से बोनस भी है मेरे पास और विनिंग भी। तकरीबन मेरे इस महीने की मैं विनिंग बताऊँ तो 64,000 के आसपास मैंने विनिंग की है, और उसमें से मैं तकरीबन 60,000 जो अपने बैंक में विड्रॉल कर लूँगा और 4,000 रुपये छोड़ दूंगा जिनको मैं आगे मैचेस में इन्वेस्ट करने वाला हूँ। तो बात करते हैं मैं कैसे विनिंग यहाँ पे करता हूँ और आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पर काफ़ी ईजी है आपके लिए ग्रैंड लीग जीतना। वजह सीधी सीधी ये है क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम है तो आपके चांसेस ज़्यादा बनते हैं जीतने के, और साथ में ही आपको यहाँ तकरीबन 80% आप बोनस यूज़ कर सकते हैं जो कि ग्रैंड लीग में एंट्री फीस में होता है। अब देखिए, विनिंग की बात करूँ तो देखिए माय अकाउंट में चलते हैं, तो देखिए तकरीबन मेरे पास अभी 62,936 रुपये की विनिंग है, जिसमें से देखिए काफ़ी सारी लीग मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, आपको दिख रही होगी, तो मैं लीग ज्वाइन करके यहाँ पे खेलता हूँ। तो चलिए पहले विड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। एक बार में आप 9,999 रुपये तक विड्रॉ करते हैं, तो मैं वो कर लेता हूँ और देखते हैं मुझे विड्रॉ कब तक ये मिलता है। तो हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है और मुझे लग रहा है कल तक जो है मुझे विड्रॉ ये मिल जाएगा, 24 घंटे के अंदर मिल जाता है। तो आपके सामने मैंने अभी विड्रॉ कर लिया, कितने का, 9,999 रुपये का। रोज़ मैं एक विड्रॉ करता हूँ, यहाँ से देखिए मैसेज भी आ गया मुझे कि विड्रॉ रिक्वेस्ट सबमिटेड हो गया। अब बात करते हैं मैंने ये विनिंग कैसे की और आप भी यहाँ पे विन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग लीग्स खेलता हूँ। वो क्या चीज़ होती है, देखिए आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे जैसे आप कोई भी मैच की लीग खोलेंगे। सबसे पहले आपको क्लासिक दिखता है, फिर दिखता है बैटिंग, उसके बाद दिखता है बॉलिंग। अब आपको समझ लीजिए, क्लासिक का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे 11 प्लेयर लेने हैं, उसमें एक कैप्टन बनाना है, एक वाइस कैप्टन बनाना है, यानी कि जैसे ड्रीम इलेवन पर आप खेलते हैं उस तरह से आपने खेलना होता है। सेकेंड चीज़ है बैटिंग लीग। अब बैटिंग लीग में क्या करना होता है, आपको सिर्फ आपने 5 बैट्समैन लेने होते हैं। ध्यान देखिए, यहाँ पे जो भी प्लेयर आप लेंगे जब वो रन बनाएगा उसके आपको पॉइंट मिलेंगे, और जितने ज़्यादा रन बनाएंगे आपने जो प्लेयर सेलेक्ट किया उतने ज़्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे और विन कर जाएंगे। आप 5 बैट्समैन ले सकते हैं इसमें, एक टीम से 3, एक टीम से 2। उसमें आपने एक कैप्टन बनाना है, एक वाइस कैप्टन बनाना है और विन करना है। और उसके बाद आता है बॉलिंग लीग। अब बॉलिंग लीग में क्या, इसमें आपने 5 बॉलर लेने होते हैं,
और एक टीम से आप मैक्सिमम 3 प्लेयर ले सकते हैं और दूसरी से फिर 2, फिर आपको एक कैप्टन बनाना है, वाइस कैप्टन बनाना है, और जितने ज़्यादा विकेट आपके सेलेक्ट किए बॉलर लेंगे उतने ज़्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे और आप विन कर जाएंगे। तो मैक्सिमम मेरी विनिंग बताऊँ तो देखिए जो बैटिंग लीग और बॉलिंग लीग है इनसे है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन कम है और अगर आप थोड़ा सा मतलब कि दिमाग से यहाँ अपने प्लेयर सेलेक्ट कर लो तो आप इजीली विन कर जाते हो। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी लीग है, 20 रुपये वाली, 12 वाली, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 20-12 जो छोटी छोटी लीग्स हैं उनके साथ खेलिए। मैं देखिए यहाँ पे ठीक ठाक लीग खेलता हूँ मैं, 180 वाली, 95 वाली, 1100 वाली, ये लीग्स खेलता हूँ। तो इसमें आपको देखिए हाँ ये है, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि बोनस से नहीं खेल सकते, लेकिन विनिंग काफ़ी ईजिली हो जाती है। अब बात करते हैं आपको टीमें किस तरह से बनानी होती हैं, तो देखिए टीमें आपको बताऊँ, देखिए माई लीग्स में चलता हूँ मैं, तो देखिए जैसे मैंने JLT वनडे कप का जो मैच है इसके लिए मैंने टीम रखी है, तो देखिए मैंने क्लासिक लीग नहीं खेली, ठीक है ना, मैंने बैटिंग लीग भी नहीं खेली, मैंने देखिए इसमें बॉलिंग लीग है और 3 लीग मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर रखी है, एक का 500 विनिंग प्राइस, एक का 250, एक का 1000। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं अपनी टीम दिखाता हूँ, यहाँ से नहीं है, मैं आपको यहाँ से अपनी टीम एक बार से दिखा देता हूँ, मैं प्रीव्यू लेते हैं टीम का अभी, तो हाँ ये देखो मेरी टीम का प्रीव्यू देखिए। इसमें देखिए मैंने वाइस कैप्टन बनाया फवाद अहमद को, फिर मैंने क्रिस ग्रीन को कैप्टन बनाया, मैंने शॉन एबट को लिया है, जैक्सन कोलीमैन और डैनियल सैम्स। अब आपको देखिए यहाँ पे अलग चीज़ क्या दिख रही है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पैट कमिंस लास्ट मैच खेले थे, इस मैच में मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहे थे इसलिए मैंने उनको नहीं लिया। जोस हेज़लवुड का चांसेस बता रहे थे कि वो खेलने वाले, लेकिन मैंने यहाँ पर रिस्क नहीं लिया। अब देखिए मैंने 4 प्लेयर ऐसे लिए हैं जो लगभग सबकी टीम में होंगे, अगर आप बल्लेबाजी में बैटिंग बॉलिंग लीग खेल होंगे तो आपने भी ले रखे होंगे, फवाद अहमद, शॉन एबट, क्रिस ग्रीन और डैनियल सैम्स, ये 4 प्लेयर सब ने अपनी टीम में रखे हैं। तो मैंने क्या अलग किया, 4 प्लेयर तो मैंने वो ले लिए जो सबने अपनी टीम में ले रखे होंगे, और 1 प्लेयर मैंने ऐसा ले लिया जो किसी ने नहीं लिया, वो है जैक्सन कोलीमैन। और जैक्सन कोलीमैन आज का मैच खेले हैं, तो मैंने देखिए यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिया, रिस्क लिया। अगर मैं भी सेफ जाता यहाँ पे किसी ऐसे प्लेयर को ले रखता जो सबने ले रखा होगा तो सबके पॉइंट सेम हो जाते, क्योंकि यहाँ पे टाई बहुत होते हैं मैचेस, तो मैं नहीं चाहता कि भाई टाई हो, या तो मैं हारूंगा या मैं जीतूंगा। तो अब जैक्सन कोलीमैन के ऊपर सारी बात है, अगर उसने आज 1 विकेट भी ले लिया तो मेरे हिसाब से मैच जीत जाऊंगा। तो ये चीज़ें मैं करता हूँ, मैं 4 प्लेयर वो ले लेता हूँ जो सब लेते हैं, और 1 प्लेयर ऐसा लेता हूँ जिसके चांसेस भी कम है खेलने के, लेकिन अगर वो खेल गया तो जीत जाते हैं। तो सीधा सीधा आपका यहाँ पे मतलब ये बनता है कि आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना यहाँ पे विन करोगे, और ऐसी मैंने आपको अपनी विनिंग दिखाई, इसी तरह से मैं यहाँ पे विन करता हूँ और मैक्सिमम लीग्स में जीत जाता हूँ, हालांकि हारता भी हूँ। अगर मैं कल का आपको रिजल्ट दिखाऊँ तो आप देखिए समझेंगे, मैंने टीम जो थी अपनी रिस्की बनाई थी, क्वींसलैंड और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच बात हो रही है, मैं बॉलिंग में चलता हूँ। देखें मैंने 3-4 लीग जून के, देखिए 50 वाली मैं जीत गया, और उसके बाद देखिए 250 वाली हार गया, 100 वाली हार गया, 1000 वाली हारा क्यों, देखिए मैंने अपनी टीम अगर यहाँ से आपको दिखाऊं, मैंने केन रिचर्डसन को लिया, जोई मैनी को लिया, एडम जैम्पा को कैप्टन बनाया जिसने कुछ नहीं किया, ब्ली स्टैनले को मैंने वाइस कैप्टन बनाया, और फिर लिया मैंने मिचेल स्वीपसन। देखिए मिचेल स्वीपसन को किसी ने नहीं अपनी टीम में रखा था, अगर आप यहाँ से मेरे अपोनेंट की टीम देखोगे तो देखिए इन्होंने मिचेल स्वीपसन को रखा था, लेकिन इन्होंने चेंजेस क्या कर दिया, मैथ्यू कुनेमन ले लिया। अब वो 1000 वाली लीग में एक बार से दिखा देता हूँ, इसमें देखिए क्या हुआ, जिस बंदे ने ले रखा था उसने क्या करा, कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज कर दिया। तो देखिए सारों की लगभग टीमें सेम ही होती है, सीधा सीधा मतलब ये लिखा था आपके कैप्टन वाइस कैप्टन जहाँ पे आप चेंज कर दोगे वो आपके लिए बेस्ट होंगे, और अगर आप एक रिस्की प्लेयर लेते हो तो आपके जीतने के चांसेस बहुत यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बोलता हूँ अगर आप बल्लेबाजी पे ग्रैंड लीग खेलते हैं तो वो आप बोनस से खेलिएगा, उसमें आपके जीतने के चांसेस अच्छे हैं, लेकिन अगर बैटिंग बॉलिंग लीग आप खेलेंगे तो उसमें चांसेस आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं जीतने के, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे अपना सकते हैं। देखिए अभी ग्रैंड लीग में रैंक 1 चली है जो कि टेस्ट मैच चल रहा है, तो इस तरह से अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हैं तो वहाँ पे भी आपकी रैंक 1 आ सकती है। तो बस दोस्तों वीडियो में इतना ही, उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए, और बल्लेबाजी का ऑफिशियल ऐप आपने डाउनलोड नहीं करा तो कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस तरह से एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है वेरिफिकेशन से रिलेटेड वो भी आपको जल्दी सॉल्व कर दी जाएगी। तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बल्लेबाजी का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके अच्छी खासी आप यहाँ पे विनिंग कर सकते हो।